जेठ माह की चतुर्दशी तिथि के अवसर पर शनिवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगत पिता ब्रह्मा की पत्नी सुहागदात्री माँ सावित्री की पूजा अर्चना के लिए महिलाओं का सैलाब उमड़ा। अल सुबह से ही पुष्कर सहित आसपास के गांवों की महिलाओं ने सावित्री माता मंदिर का रोपवे और पैदल मार्ग से रुख किया। महिलाओं ने इस विशेष दिन के अवसर पर माता सावित्री के श्रृंगार की वस्तुएं फल और फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर अपने से बड़ों और पंडितों का आशीर्वाद लिया। पंडितों के अनुसार इस तिथि को सुहागन महिलाएं 14 साल तक हर वर्ष अपने सुहाग की सलामती और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और माँ सावित्री से मनोकामना मांगती हैं। माँ सावित्री सत्यवान का व्रत है, साल भर में एक बार आता है, सभी सुहागिनें यहाँ पे पूजा करने के लिए आती है और साल में एक बार आता है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिली है और नहीं आने वाले भी आ रहे हैं, ये उड़न खटोला लगा है इसकी वजह से, और सब अपने सुहाग की कामना करती है। पूजन में मेहंदी, मौली, कुमकुम, चामर सभी आदि पूजा के लिए लाती है, चुंदड़ी माताजी के चुंदड़ी चढ़ाने के लिए लाती है सभी सुहागिनें औरतें पूजा करने के लिए। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते शनिवार को मंदिर में दोपहर तक लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस विशेष दिन पर रोपवे के समय में बढ़ोतरी भी की गई। रोपवे को सुबह 9 बजे के स्थान पर 6 बजे से ही शुरू कर दिया गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में भीड़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये चतुर्थी के दिन आज ये सावित्री व्रत पूजा जाता है। सावित्री व्रत अपनी सुहागन माता बहने होती है, अपने पति की दीर्घायु सुहाग पूजा करती है और इसी मनोकामना के लिए ये 14 साल के लिए व्रत रखा जाता है। सुहागन माता बहने अपने पति की लंबी आयु की सुहाग पूजा करते हैं। ये सुबह 4 बजे से इसी पूजा को चालू किया गया और शाम तक इसी पूजा को चालू रखा जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हर वर्ष यहाँ पर महिलाएं सावित्री माता का व्रत करती है। यह व्रत 14 वर्ष तक होता है और 14 वर्ष के उपरांत उद्यापन और पूजा होती है। हर वर्ष महिलाएं अपने सुहाग की कामना के लिए माता के यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आती है। इस वर्ष भी आई हैं। यह कार्यक्रम सुबह से चालू होता है, यहाँ से नगर की महिलाएँ आती है और आसपास के गाँव से भी महिलाएँ आती है, अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए माँ की पूजा अर्चना करती है।